फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुकांति, सुकांति किचन में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज मकर संक्रांति है तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। काली दाल चिड़ी हुई ले ली हूँ, उड़द का, ये देखिए, और चावल। तो इसका मैं खिचड़ी बनाऊंगी, साथ में टमाटर का चटनी भी बनाऊंगी भूनकर। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेगा। तो मैं लेट्स गो स्टार्ट। तो मैंने कुकर में डालकर धोकर रखा है, ये देखिए, अच्छे से साफ करके। और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, देख लीजिए, 1 कप चावल है और आधे गिलास से ज़्यादा, थोड़ा सा 1.25 गिलास दाल है। तो मैं अभी पानी ऐड करती हूँ, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये वाला गिलास, मैंने 1 गिलास चावल ले लिया था और थोड़ा सा 1.25 गिलास दाल ली हूँ। खिचड़ी में थोड़ा दाल अच्छा ज़्यादा डालने से अच्छा लगता है, तो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। तो आप लोग भी मेरी तरह एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, बना कर देखें, खाएं, इंजॉय करें। 2 गिलास पानी डाल रही हूँ और 1 गिलास डालूँगी, और आधे से कम पानी ले रही हूँ। तो मैं अभी नमक ऐड कर दूंगी। स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और इसको मैं सीटी लगा दूंगी। इस तरह मिला दे, बंद कर दे कुकर को, गैस ऑन कर दूंगी। ये रहा गैस पे, मैं तेज गैस पे अभी रखूंगी जब तक 1 सीटी ना आए तब तक। फिर पकने के लिए मैं कम से कम 10 मिनट तक धीमा आंच में पकाऊंगी, 7-8 सीटी में लगाऊंगी। तब तक वेट कीजिए, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो मैं टमाटर का चटनी खिचड़ी के साथ बना रही हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ टमाटर का चटनी बनाने के लिए, तो आप लोग मेरे साथ बने रहे हैं, मैं शुरू करती हूँ। और चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं कढ़ाई ये कर दिया है, देखिए, गर्म होने के लिए रख दिया है, और आप मेरे साथ बने रहें। बहुत अच्छा टमाटर की भुना हुआ चटनी बनाकर तैयार करूंगी। तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने क्या क्या ले लिया है वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, लहसुन ले लिया है छिलकर धोकर, और अदरक ले लिया है, कारी पत्ता ले लिया है, और बारीक बारीक काट कर 1.5 प्याज ले लिया है, और 2.5 टमाटर, ये देखिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। अभी कढ़ाई गरम हो रहा है, मैंने तेज गैस में कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है। तो 7 में मेरा खिचड़ी भी बन रहा है, ये देखिए, धीमा आंच में छोड़ दिया है कुकर में। तो कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ, इसमें आधी आधी चम्मच, 3 यानी कि 2.5 चम्मच तेल डाला है। अभी तेल गरम होने देती हूँ। अब मैं लहसुन को इसमें कूट देती हूँ, थोड़ा सा जितना जरूरत है, 6-7 दाना में, 6-7 दाना से ज़्यादा कूट दूंगी इसको।
ये है मसाला दानी, मैं क्या क्या मसाला डालूंगी वो दिखाऊंगी आप लोगों को। खिचड़ी बन चुका होगा, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट नहीं 15 मिनट हो चुका है, तो मैं बंद कर देती हूँ। तो तेल गर्म हुआ कि नहीं वो देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ एक बार, कैसे चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा राई डाल रही हूँ, गर्म नहीं हुआ है। आज मकर संक्रांति है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो मकर संक्रांति का, और आप लोग इंजॉय कीजिए। मैं तो खाना बनाने में बिजी हो जाती हूँ, फिर भी इंजॉय समझ लो। मैं मकर संक्रांति के लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ और टमाटर की चटनी भुना हुआ, और साथ में मैं रायता भी बनाऊंगी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो में बनी रहेगा। तेल गरम नहीं हुआ है, तेल गरम हो जाएगा तो मैं आप लोगों को क्या क्या मैं टमाटर चटनी की रेसिपी में डालती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। अच्छा, तो तेल गरम हो चुका है, आप लोग देखिए मैं क्या क्या डाल रही हूँ तेल में। ये है आधी टीस्पून से कम राई डाल दिया आप लोग, मैं तो राई के साथ बना रही हूँ। तो अब मैं डालूंगी सूखी मिर्च, 3 ले लिया है, एकदम फीकी है, मेरे पास तीखी वाला नहीं है, तीखी वाला होता तो और बढ़िया लगता, तो मैं इसी को अभी कर रही हूँ। अभी हरी मिर्च डाल रही हूँ, मैंने आप लोगों को हरी मिर्च नहीं रखा था, लेकिन हरी मिर्च अभी काट सकती हूँ, तो हरी मिर्च डाल रही हूँ इसमें। इसके बाद कूटी हुई लहसुन डाल रही हूँ, देखिए लहसुन ऐड कर दिया। अब लहसुन को मैं थोड़ा ब्राउन होने दूंगी, देखिएगा कि लहसुन ना जले, जलने नहीं देंगे। उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद मैंने अदरक जो काट के रखी थी, ये देखिए ज़्यादा बारीक बारीक नहीं काटा, मोटा मोटे काटी हूँ मतलब, और इसलिए थोड़ा बारीक बारीक नहीं काटा, दांत में आ जाता है, तो मैं मोटा पीस होता है तो आराम से निकाल के खा सकते हैं, हर एक पीस को अदरक पसंद नहीं होता है, तो इसलिए अब मैं अदरक डाल दिया, करी पत्ता डाल दिया, आपकी आंखों में छिटा ना आए, आप लोग अपनी आँखें का भी ध्यान रखें। और अब मैं करी पत्ता डाल दिया, अभी मैं बारीक बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ, अब इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी, मतलब हल्का ब्राउन होने तक धीरे धीरे, इसको ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी, क्योंकि टमाटर चटनी ज़्यादा पकाने से टमाटर से चटनी बना रहे हैं, बिना हुआ चटनी नहीं तो प्याज थोड़ा हल्का बड़ा ब्राउन छोड़े और टमाटर से डालेंगे तो बहुत अच्छी लगती है मेरे अंदाज से। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए टमाटर की सब्ज़ी। अब हम मैं प्याज को ब्राउन होने देती हूँ, हल्का ब्राउन, उसके बाद मैं टमाटर डालूंगी। तो प्याज हल्का गर्म हो चुका है, मैं अभी टमाटर डाल रही हूँ, तो
अब मैं मसाला ऐड करूंगी। कलर के लिए फ्री लाल मिर्च पाउडर, चमचा चुटकी भर मैंने मिर्च पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। बाद में इसको अच्छे से मिला देते हैं। अब मैं इसको धीमा आंच में 2 मिनट के लिए इसको ढक कर छोड़ दूंगी पकने के लिए। तो टमाटर को ज़्यादा पकने ना दें, तो एकदम पक जाएगा तो टमाटर की चटनी का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो साथ में मैं रायता बनाऊंगी, तो रायता का रेसिपी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैं टमाटर की सब्जी चेक कर लेती हूँ, टमाटर की चटनी भी चेक कर लेती हूँ। देखिए टमाटर की चटनी तैयार हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसको साइड में रख देती हूँ। मैंने रायता छोंकने के लिए मैंने गैस ऑन कर दिया, ये देखिए, और एक स्पून मतलब बड़ा वाला चम्मच ले लिया है, जो कि हम दाल आल मिलाते हैं या सब्जी वब्जी मिलाते हैं वो वाला ले लिया, ये देखिए। तो इसको गर्म होने देती हूँ। अब मैं इस गर्म हो चुका है तो मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ रायता को छोंक लगाने के लिए, देखिए एकदम कम तेल डाली हूँ। अच्छा, तो मैंने ना दही एक बाउल में ले लिया था और इसको पहले से थोड़ा सा फेट कर रखा है, तो मैंने और थोड़ा सा इसको फेट देती हूँ अच्छे से। और इसमें अब मैं डालूँगी, देख लीजिए क्या क्या डालती हूँ। पिसी हुई जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा नमक कम है और थोड़ा नमक, इसको अच्छे से मिला देती हूँ। अब मैं छौंक की तरफ जा रही हूँ, ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं अभी राई डालूंगी, चुटकी भर राई, सूखी लाल मिर्च साबुदानी और हरी मिर्च के 2-3 दाने, अब मैं थोड़ी सी 2 दाने का लहसुन कुटी हुई वो ले लिया मैंने, आप इसको अच्छे से लाल होने दूंगी या नीचे ब्राउन होने दूंगी। इसको अच्छे से छोटे चम्मच में मिला देती हूँ, अच्छे से साफ अच्छे से पक जाए, ब्राउन हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया खुशबू आ रहा है इसका। अब इसमें मैं करी पत्ता ऐसे इसको तोड़ लूँगी बारीक बारीक ऐसे, और अब मैं इसमें डाल दूँगी, बहुत कम तेल ले रही हूँ मैं, इसका मैं कुछ कम है छोटे स्पून से भी कम है। थोड़ा मैं इसको तेज कर देती हूँ,
कारी पत्ता भी हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा चुटकी भर लाल मिर्ची पाउडर, ये देखिए ज़्यादा ना डालें क्योंकि ऑलरेडी इसमें मिर्ची डाला हुआ है। इसका थोड़ा सा टेस्ट अलग करने के लिए मैंने डाली हूँ, ये देखिए। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और रायता में छौंक लगा देती हूँ, ये देखिए हो गया मेरा रायता तैयारी। अब मैं खिचड़ी के छौंक लगाऊंगी, तो मैं गैस ऑन कर देती हूँ। छौंक लगाने वाला ले लिया है, तो इसको गर्म होने देती हूँ। मैं खिचड़ी को चेक करके रखती हूँ, ये देखिए खिचड़ी। अब इसको देखती हूँ किस तरह के हुआ है, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। थोड़ा पानी की जरूरत पड़ेगी, इसमें मैं पानी डालूंगी अभी। तो घी गरम हो चुका है, मैंने जीरा डाल दिया है, मैंने गरम, ये देखिए तड़का आ रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा साबुत मिर्च डालूंगी सूखी वाली, देखिए डाल दिया। थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल देते हैं, अब मैं लहसुन डाल रही हूँ, लहसुन को ब्राउन होने देंगे, थोड़ा सा जलाएंगे इसको। खिचड़ी ब्राउन हो चुका है थोड़ा अच्छे से, थोड़ा नहीं अच्छे से, तो थोड़ा सा कलर के लिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, चुटकी भर डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। अब मैं इसमें खिचड़ी में छौंक लगा रही हूँ, दो सेकंड के लिए ढक दिया मैंने। अब इसको खोल के देखते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है खिचड़ी। मेरा खिचड़ी बन के तैयार हो गया, तैयार हो गया, ये देख लीजिए खिचड़ी। मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया। तो आज का वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को आज का रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने अपने परिवार में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।